ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जी हां, आपको बता दें कि शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राव जेवनी कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को खचाखच भरे अदालत कक्ष में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने अदालत से केजरीवाल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि केजरीवाल का आचरण असहयोगात्मक रहा है और वह गोलमाल जवाब दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में हमें हिरासत की आवश्यकता पड़ सकती है। केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड नहीं दिए हैं। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। केजरीवाल के वकील ने जेल में कुछ जरूरी दवाएं और 3 किताब उपलब्ध कराने की मांग की है। 3 किताबें जिनकी मांग की है उनके नाम इस प्रकार हैं: रामायण, महाभारत और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, पत्रकार नीरजा चौधरी द्वारा लिखित। अरविंद केजरीवाल ने बीमारी के मद्देनजर जेल के अंदर स्पेशल डाइट की मांग भी की है। वहीं कोर्ट ने जेल भेजने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी। संघीय जांच एजेंसी ने मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया। अगले दिन विशेष न्यायाधीश बावेजा ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद अदालत ने ईडी की उस याचिका को स्वीकार कर लिया था जिसमें उनकी रिमांड को 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक करने का अनुरोध किया गया था। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।